वालेकुम फ्रेंड्स, आप मुझे देख रहे हैं। मैं आपको एंजॉय लर्निंग किड्स में यानी कि इस चैनल में वेलकम कहता हूँ। मैं आपको बहुत मजे मजे की कहानियाँ सुनाऊंगा और इस चैनल में आप एंजॉय लर्निंग किड्स में यानी कि बहुत कुछ सीख सकेंगे और साथ ही साथ एंजॉय भी कर सकेंगे। तो जो आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा है, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो प्लीज वीडियो को लाइक करते जाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए ताकि आप ये स्टोरियां मजे मजे की सीख सके और मजे मजे की बातें जान सके और एंजॉय कर सके। तो लेट्स गो स्टार्ट करते हैं कि हम कैसी बातें करेंगे। प्यारे दोस्तों, आज जो मैं कहानी सुनाऊंगी आपको, तो उसको हम स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक घर था। उधर एक बूढ़ी औरत और उनका बेटा रहा करता था। उनके बेटे का नाम अब्दुद्दयान था। वो बूढ़ी औरत काम से थक कर वापिस अपने घर की तरफ आती हैं और वो बहुत बुजुर्ग होती हैं और थकी हुई होती हैं। वो आकर अपने बेटे को कहती हैं, उससे कहना चाहती हैं कि मुझे भूख लगी हुई है और मुझे कुछ खाने को चाहिए। वो अपने बेटे अब्दुद्दयान को अपने पास बुलाती हैं। उनका बेटा कहता है, जी अम्मी जान, क्या काम है? वो उसे कहती हैं, कुछ खाने के लिए लेकर आओ। वो कहता है, आप चलें, मैं आपके लिए लेकर आता हूँ। वो बूढ़ी औरत अपने रास्ते चली जाती है और वो लड़का सोचने लग जाता है कि वो क्या लेकर जाए जिससे उसकी अम्मी का पेट भर जाए। वो लड़का इसी सोच में कभी इधर को जाता है और कभी उधर को जाता है। वो बस ये सोच रहा होता है कि उसको कुछ ऐसा लाना है जिसको खाकर उसकी अम्मी में ताकत भी आ जाए और वो सुकून की नींद भी सो सके और उनका पेट भी भर जाए। वो इसी सोच में चलता चलता एक रास्ते से गुजर रहा होता है। वो उस रास्ते में आता है। उस रास्ते से आगे वहाँ पर उसको एक जंगल नजर आता है। वो उस जंगल की तरफ रवाना होने के लिए सोचता है कि क्या मैं उधर जाऊँगा तो मुझे कुछ खाने को मिल जाएगा। वो इसी सोच में आगे चलता है। जैसे जैसे वो आगे चलता है तो उसको वहाँ पर दरख्त नजर आते हैं। वो उन दरख्तों के पास आता है और देखता है, वाओ, ये दरख्त तो सेबों के हैं। क्यों ना मैं इनमें से कोई सेब ले जाऊँ जिससे मेरी अम्मी का पेट भर जाए, मैं भी खा सकूँ और हम खाकर पेट भर कर सुकून की नींद सो सकें। वो इसी सोच में कभी इधर देखता है कि कहीं इन सेबों का मालिक जो है वो आकर डांटे ना। फिर वो कहता है, अगर वो मालिक आए तो मैं उनसे इजाज़त मांग कर ये ले लूँगा क्योंकि मुझे ये चोरी नहीं करना, चोरी करना बुरी आदत होती है। वो बहुत खुश होता है कि ये जो सेब हैं इनसे मेरी अम्मी का यकीनन पेट भर जाएगा। वो आगे बढ़ता है सेबों को तोड़ने के लिए। इसी दौरान वो फिर सोचता है कि वाकई ही अल्लाह ताला ने मेरी मदद कर दी है, मैं अपनी अम्मी के लिए भी खाने को कुछ लेकर जा सकता हूँ। इसी दौरान वहाँ पर उसे एक भी औरत नजर आती है। वो वहाँ से चलती चलती आ रही होती है और बूढ़ी औरत कहती हैं कि बेटा, तुम ये सेब तोड़ने वाले थे ना, कि अगर तुम ये सेब ना तोड़ो तो ये सेब मैं लेके जा सकती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे भूखे हैं, उन्हें दूध की ज़रूरत है। तो मुझे इन सेबों की ज़रूरत ज़्यादा है, मैं ये सेब तोड़कर बेचने जाऊँ ताकि ये सेबों के बदले मैं अपने बच्चों के लिए दूध खरीद सकूँ और उन्हें वो दूध ला सकूँ जिससे मेरे बेटे सुकून के साथ वो दूध पी कर सो जाए। वो औरत उस लड़के को इस तरह कहती है कि ये सेब अगरचे तुम मुझे तोड़कर दे सकते हो
ताकि मेरी भी मदद हो जाए और मैं अपने बच्चों को जल्दी से जाकर खाना खिला सकूं, क्योंकि वो भी भूखे हैं और मैं भी भूखी हूँ। मैं सारा दिन मेहनत करके थक गई हूँ, इसलिए मुझे भी खुराक की जरूरत है। तो जब मैं इधर से गुजरी तो मुझे ये सेबों के दरख्त नजर आए, जो कि मैं बहुत खुश हुई कि ये सेब मैं ले जाकर बेच सकती हूँ और अपने बच्चों के लिए कुछ खुराक लेके दे सकती हूँ। मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, उन्हें बहुत ज्यादा भूख लगी है। वो लड़का फिर सोचने लग जाता है कि क्या मैं वाकई ही ये सेब नहीं लेकर जा सकता अब, मेरी अम्मी भी भूखी हैं। लेकिन वो कहता है उस औरत को कि ठीक है, मैं आपको ये सेब तोड़कर दे दूंगा। वो उसी दौरान वहां से चला जाता है। तो जब वो जाता है तो उसको पीछे से एक आवाज आती है। वो रुकता है और वहां पर देखता है कि पीछे एक बहुत खूबसूरत सी लड़की खड़ी होती है, जो कि उसको बुलाती है, कहती है कि बेटा जरा बात सुनो आकर। वो देखता है कि ये तो एक परी जैसी हैं। वो उनसे पूछता है कि आप कौन हैं? वो कहती है, मैं एक परी हूँ, मैं आपकी हेल्प के लिए आई हूँ। मैंने सोचा कि मैं आपकी मदद कर दूँ, जैसा कि आपने उन औरत की मदद की है, उनकी हेल्प की है कि वो सेब तोड़कर अपने बच्चों के लिए ले जाकर उनके लिए दूध खरीद कर उन्हें पिला सकें। इसीलिए मुझे ये काम आपका बहुत अच्छा लगा। तो मैं यहाँ से गुजर रही थी जब मैंने देखा कि आपने किसी औरत की हेल्प की है, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, ना कि हमें सिर्फ अपने बारे में सोचना चाहिए। क्योंकि जब हम किसी की मदद करते हैं तो उससे अल्लाह ताला भी खुश होते हैं और इंसान भी बहुत मुतमईन और सुकून में आ जाता है। वो परी इस तरह की बातें जब उससे कर रही होती है और उसे कहती है, वेल डन बेटा, वेल डन, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तो तुम मुझसे जो चाहो वो मांग सकते हो, लेकिन इतना ही मांगना जितनी तुम्हें जरूरत है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा मत मांगना। वो लड़का देखता है उस परी की तरफ और बहुत खुश होता है, कहता है, वाकई ही, क्या ये परी मेरी हेल्प करेंगी? आप बहुत अच्छी हैं, मैंने वाकई ही बहुत नेक काम किया है। वो परी कहती है, ठीक है, जो मांगना है मांगो, मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन याद रखना, ज्यादा लालच मत करना, सिर्फ उतना मांगना कि उससे आपकी अम्मी का भी पेट भर जाए और वो भी खाना खाकर सो जाए। वो परी उसको अच्छी तरह से समझाती है और कहती है कि तुम मुझसे जो भी मांगोगे मैं तुम्हें दूंगी, इसीलिए वो मांगना जिससे तुम्हारा पेट भर जाए और तुम वो खा सको, और हमेशा इसी तरह दूसरों की मदद भी करना। वो लड़का उसे कहता है, ठीक है, आप मुझे इतना खाना दे दें कि उससे मेरी अम्मी का पेट भर जाए। वो परी उसे कहती है, जाओ, मैंने तुम्हें वो दे दिया है, जब तुम अपने घर के पास जाओगे तो जाकर देखोगे और बहुत खुश होगे, क्योंकि जो चीज मैंने तुम्हें दी है उससे तुम खाना भी खा सकोगे और उससे तुम्हारा पेट भी भर जाएगा और उसके जरिए तुम किसी और की भी मदद कर सकोगे। वो लड़का बहुत खुश होता है और कहता है, ठीक है, आपने मेरी मदद की है, मेरी मुश्किल दूर की है, अब मैं अपनी अम्मी को जाकर ये बात बताता हूँ। वो कहती है, जी हाँ बेटा, मैंने ये आपकी हेल्प इसलिए की है क्योंकि आपने भी एक औरत जिसके बच्चे भूखे थे उनकी मदद की। आपने ना सिर्फ अपने बारे में सोचा बल्कि उन बच्चों के बारे में भी सोचा। वो लड़का उसी रास्ते से गुजरता हुआ अपने घर को रवाना होता है और वो सोचता जाता है कि परी जी ने क्या दिया होगा जिसको लेकर मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। इसी दौरान वो अपने घर के करीब पहुंचता है। जब वो अपने घर के पास पहुंचता है और वो देखता है कि वो बहुत खुश होता है कि उसके घर के बाहर चार दरख्त लगे होते हैं जो सेबों से भरे होते हैं। वो सेबों से भरे दरख्त देखकर बहुत मुस्कुराता है और खुश होता है, कहता है कि मैंने वाकई ही एक अच्छा काम किया है जिसके बदले अल्लाह ताला ने मुझे सेबों के दरख्त दिए हैं। अब ये सेब मेरे घर के बिल्कुल
पास हैं, मैं इनको तोड़कर अपनी अम्मी को दूंगा तो मेरी अम्मी भी बहुत खुश होंगी और वो भी अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करेंगी। वो आगे बढ़ता है और जब वो इन दरख्तों को देखता हुआ जा रहा होता है, वो कहता है कि परी जी ने कितना अच्छा काम किया है, मेरे किसी की मदद करने से उन्होंने भी मुझे मेरी मदद की है। और वो ये सिर्फ ये सोचता है कि अब ये सेबों के दरख्त सिर्फ मेरे नहीं हैं, बल्कि मेरे इर्द गिर्द जितने भी लोग भूखे हैं, मुझे ये सेब उनको भी ले जाकर देने हैं। और तो और मुझे ये भी काम करना है कि मुझे ये सेब तोड़कर मार्केट में बेचकर आने हैं, और जिनके बच्चे छोटे हैं जो भूखे हैं, मुझे उनकी मदद करनी है और उनको ये सेब बेचकर पैसे लेकर उनकी अम्मी को देने हैं, ताकि वो भी अपने बच्चों के लिए जरूरत की चीजें ले सके। वो बहुत खुश होता है ये सब देखकर और थोड़ा सा आगे बढ़ता है। वो फिर रुक जाता है और फिर सोचता है कि अल्लाह ताला का मैं शुक्रिया अदा कर देता हूँ, अल्लाह आपका शुक्र है कि आपने मेरी मदद की और मुझे खाने को अता किया। और वो खुशी खुशी रवाना होता है और कहता है अब मैं ये जाकर बात अपनी अम्मी को भी बताऊंगा, वो भी बहुत खुश होंगी। इसी दौरान वो सेबों को देखता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है और खुश होता है, और वहां खड़ा होता है तो उसको अचानक एक परी नजर आती है, वही परी जिसने उसकी मदद की होती है। वो परी भी कहती है कि अब आप खुश हो कि मैंने आपको ये सेबों के दरख्त दिए जिनसे आप हमेशा दूसरों की मदद भी कर सकते हैं। वो परी भी कहती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए, जिस तरह अब्दुल दयान ने उन औरत की मदद की, अल्लाह ताला भी खुश होते हैं। तो दोस्तों, आपने इससे ये सबक सीखा कि हमें हमेशा दूसरों की हेल्प करनी चाहिए और अच्छे नेक काम करने चाहिए।